बाल निकाल, नहीं तो सुबह का सूरज नहीं देखेगा तू। निकाल ए, लेकिन वाले जल्दी माल निकाल, 2 मिनट बाद रात का चांद भी नहीं देख पाएगा तू। निकाल भाई, ये तो चीटिंग है भाई। अरे मैं चीटर ही तो हूँ, चीटिंग मेरा बिजनेस है। चल माल निकाल, निकाल माल। मेरे पास कुछ नहीं भाई, मैं तो खाली ऐसे पान खाने निकला हूँ। तू गुजराती है? हाँ गुजराती, गुजराती। तुम्हें पान? गुजराती के जेब में पैसा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे अरे निकाल, अरे अरे निकाल, अरे निकाल, अरे रोक, अरे रोक, अरे रोक, जाता किधर है? हिम्मत है तो रोक। ए क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? कौन था वो? अरे साहब वो चोर था, वो मुझे लूटने की कोशिश कर रहा था, आपको देख के भागे। देखो भाग रहे। गणेश पकड़ उसको, पकड़ो उसको, पकड़ो। तुम इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ओ साहब इधर रिक्शा ढूंढ रहा था। क्यों, कहाँ जाना है? ओ दहीसर चेक नाका, होटल ब्लू क्वीन। होटल ब्लू क्वीन, क्या धंधा क्या तुम्हारा? मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का मालिक हूँ साहब। ओ मेरा दुकान है, वो LCD TV, फ्रिज, अपना रेफ्रिजरेटर, ऐसा सब चीज मैं बेचता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आज रात होटल ब्लू क्वीन में? नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं। ओ क्या मेरा साला सुंदर, उसका नाम अहमदाबाद रहता है, इधर आए वो दोस्त के दोस्त के दोस्त की शादी में, तो इधर कुछ होटल का प्रॉब्लम हो गया, कुछ रूम नहीं है ऐसा कुछ पता नहीं बोल रहा था, तो अभी होटल वाला बोल रहा है कि वो रोकड़ा रुपया दो तो मैं रूम देता हूँ, तो बोले जीजा जी आप आके पैसा दे के जाओ। तो मैं बोला उसको, बोला भाई इतनी रात को मैं किधर हूँ, तू आके लेके जा। तो मेरी बीवी दया वो बोलते हैं, नहीं वो बेचारा किधर आए गए, इधर अहमदाबाद में रहता है ना वो, तो बोले आप दे के आओ। तो अभी आप तो जानते हैं वो सारी दुनिया एक तरफ, बीवी का भाई एक तरफ, तो उसको पैसा देने के लिए 15,000 उसने बोला, तो देने के लिए मैं निकला। तो अभी रिक्शा एक वो सो रहा है, रिक्शा वाला उठाया वो तो उठ ही नहीं रहा, इतने में वो चोर मुझे मिल गया, तो वो रुपया लूटने की कोशिश कर रहा था, तो इतने में आप आ गए तो भाग गया आपको देख के, तो दो पुलिस आपका उसका गए पीछे पकड़ने के लिए, और मैं इधर अभी खड़ा हूँ आपका वो सवाल का जवाब दे रहा हूँ। क्या नाम क्या है तुम्हारा? जेठालाल चंपकलाल गड़ा। कहाँ रहते हो? ये इधर वो गोकुलधाम सोसाइटी है ना साहब, उधर आप सब जानते होंगे, मोहनलाल मटका किंग वो उधर ही रहते। अच्छा तो मोहनलाल के उधर रहते हो? नहीं नहीं मैं तो अलग रहता हूँ, मेरा घर है उसमें, वाइफ है दया, बापूजी है चंपकलाल गड़ा, मेरा बेटा टप्पू है, हम लोग एक साथ में रहते हैं। मतलब तुम मोहनलाल के बिल्डिंग में रहते हो? नहीं ऐसा आमना सामना बिल्डिंग में, अभी आप खड़े हैं ना वो मोहनलाल भाई की बिल्डिंग है, और मैं खड़ा हूँ हमारी बिल्डिंग है, तो ऐसा आमना सामना हम लोग ऐसे। अरे बस बस, इतने रात को कितना बोलते हो? पकड़ में आ गया ना? पकड़ लिया साहब, इसके पास से रामपुरी भी मिला है। ये साहब मेरे को पूछ रहा था इधर से पुलिस स्टेशन कितना दूर है, ये देख पुलिस खुद आ गई तुझे पकड़ने के लिए। चल इसको जीप में बैठा, चल चल। अरे यार साहब क्या है, टाइम पे इधर रिक्शा मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो दहीसर तक का रिक्शा मिले उधर तक छोड़ देंगे। ठीक है ठीक है, पीछे बैठ जाओ पीछे। अब साहब पीछे ओ गुंडा बैठा है ना, तो अरे कुछ नहीं होगा, बैठो पीछे। नहीं साहब थोड़ा बहुत डर लग रहा है, थोड़ा आगे तक ही ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना प्लीज, इधर मैं बैठ जाऊं, इतना जगह ही चाहिए, ज्यादा जगह नहीं चाहिए मुझे। ठीक है आ जाओ। थैंक यू। ए भाई सुंदर, तेरा जीजा आने वाला है या पूरा रात यहाँ ही ऐसा ही गुजारना है? ए बका, पार्टी सदर है क्या? और मेरी बहना ने एक बार बोल दिया कि जीजा जी आएंगे तो जीजा जी को आना ही पड़ेगा क्या? ए भाई सुंदर। जय जिनेन्द्र माय डियर जीजा जी। जय जिनेन्द्र भाई। आने में आपने बहुत देर कर दी, ट्रैफिक में फंस गए थे क्या? पैसे लाए हो? ले पूरे 15 गिन ले। अरे गिनने की क्या जरूरत है जीजा जी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 है। सॉरी हाँ, एक नोट जरा चिपक गई थी, सॉरी सॉरी। चलो एक मिनट जीजा जी, मेरे दोस्तों की पहचान करा दू, ये मेरा सूरत वाला खास दोस्त राजेश, एम पार्टी, और सूरत के बाजू में वापी, मतलब के वापी वाला दोस्त
जिग्नेश, यह सूरत वाला दोस्त है ना राजेश, उसका खास दोस्त है। और वापी के बाजू में भरूच, मतलब के भरूच का दोस्त है कल्पेश, और वो है जिग्नेश का दोस्त। और जो कल्पेश है ना, उसका खास दोस्त है दीपेश, वो पुणे का है, उसकी मुंबई में शादी है, तो उसके लिए हम सब लोग यहाँ पे आए। और ये जो दो दोस्त है ना, वो जनरल दोस्त है, और बाकी के तीन दोस्त है ना, वो मावा खाने के लिए गए। चलो मैं आपको बारी मिला देता हूँ। बस भाई रहने दे, बहुत हो गया, मैं निकल रहा हूँ। दया राह देख रही होगी घर पे। अच्छा निकलो जीजा जी। जीजा जी आपके पास जाने के पैसे तो है ना? मतलब छुट्टे पैसे ना हो तो मैं आपको दे दूं। अच्छा दे चल। वो जीजा जी अभी वो तीन लोग मावा खाने के लिए गए ना, उनको मैंने दे दिए। जीजा जी ये जो 15,000 है ना, वो अहमदाबाद जाके मैं आपको तुरंत दे दूंगा। बका अपना क्या है, संबंध संबंध की जगह पे व्यवहार व्यवहार की जगह पे, बराबर? जीजा जी निकलो। थैंक यू। चलो जल्दी करो। लेकिन मम्मी मेरा दूसरा मोजा नहीं मिल रहा है। अरे वही तो रखा था, देखो ना जरा। मम्मी यहाँ पर नहीं है। ये वही कहीं होगा, देखो ना बेटा। आज मेरा रिवीजन टेस्ट है, और आज टप्पू स्कूल में लेट पहुँचा तो टीचर उसको पनिश करेगी। टप्पूड़ा, इसीलिए मैं तुझे हमेशा कहता हूँ कि स्कूल जाने की तैयारी रात को ही कर लेनी चाहिए, लेकिन तू मेरी सुनता कहाँ है? सॉरी दादाजी। ये लो, ये रहा, देखो मिल गया है। चलो चलो जल्दी पहन लो बेटा। बाय दादाजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मम्मी। बाय मम्मी। अरे टप्पू संभाल के बेटा। अरे बापूजी मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। अरे बहू। हाँ जेठा उठ गया कि सो रहा है? अरे बापूजी वो तो 3 बजे ही उठ गए थे। हाँ 3 बजे क्यों? वो क्या है कि रात को 3 बजे सुंदर का फोन आया था, वो अपने कुछ दोस्तार के साथ शादी के लिए मुंबई आया है, तो होटल के रूम के लिए उसको 15,000 रुपए की जरूरत थी, तो टप्पू के पापा उसको देने के लिए गए। एक बात तो जेठिया की माननी पड़ेगी हाँ बहू, किसी को भी मदद की जरूरत हो तो जेठिया कभी पीछे नहीं हटता। हाँ वो तो है, लेकिन बापूजी 6 घंटे हो गए हैं, टप्पू के पापा अभी तक नहीं आया। अरे तो जेठा को मोबाइल पे फोन करके पूछ ले वो कहाँ है। अरे बापूजी उनको कैसे फोन करूँ, टप्पू के पापा का फोन तो पानी में गिर के बिगड़ गया है ना, और अभी सुंदर का भी फोन नहीं लग रहा है। बापूजी मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। ओ, देख तू चिंता मत कर, हम लोग एक काम करते हैं, नीचे जाके तपास करते हैं, ठीक है? और बापूजी जरूरत पड़े तो हम पुलिस में फरियाद भी करेंगे। हाँ ठीक है। आप जाइए, मैं घर की चाबी लेकर आती हूँ। कितना हो गया भाई? 100 रुपया। अरे बापूजी आ गए टप्पू के पापा। गोराई घुमाना नहीं लेके गए होते तो 100 नहीं होता था ना। आप सो गए तो मैं क्या करूं? अरे भाई जेठिया कितनी देर कहाँ रह गया था तू, हमें चिंता हो गई थी तेरी। हाँ बोले तो सही, अगर आप थोड़ी देर में नहीं आते ना तो हम लोग पुलिस स्टेशन फरियाद करने के लिए जाने वाले थे। बोलिए। अरे बोलिए तो सही बता। अरे भाई घर तो चला, शांति से सब बैठ के बता दो। चलो चलो घर। आइए बापू जी आइए आप। घर आ गए, बताइए देर क्यों हुई? हाँ बता क्या हुआ बापू जी। मैं और सुंदर को पैसे देने के लिए घर से निकला तो बाहर एक रिक्शा तो खड़ी थी,
लेकिन उसका ड्राइवर उसमें सो रहा था और कितना उठाने की उसको कोशिश की, उठ ही नहीं रहा था। तो फिर मैं थोड़ा रोड पे रिक्शा ढूंढ रहा था, इतने मुझे एक चोर मिला बाबू जैसा चाकू के साथ। जी, मतलब मेरा वीरा अभी भी बिना पैसों के होटल के बाहर ही बैठा है। अरे भाई, तेरा वीरा को मैं पैसा पहुंचा के आया हूँ। देखा देखा बापूजी देखा, इसको अपने वीरा की फिकर है, है? अरे मुझे चोर मिला चाकू के साथ तो मेरी फिकर नहीं है। अरे फिर क्या हुआ वो बताना, वो चोर ने चाकू निकाला फिर? अरे बापूजी, चोर ने चाकू निकालने से पहले मुझसे पुलिस स्टेशन का एड्रेस पूछा। चोर ने पुलिस स्टेशन का एड्रेस पूछा क्यों बापूजी? वो नया चोर होगा। अरे बापूजी, वो चोर बहुत चालाक था, उसको यकीन हो गया कि आसपास में पुलिस स्टेशन नहीं है, इसलिए फटाक से उसने चाकू निकाला और मुझे लूटने की कोशिश की। फिर क्या, वो मुझे लूटने ही वाला था। इतने में वो पुलिस की पेट्रोलिंग वाली जीप होती है ना, वो आई बापूजी, तो पुलिस की जीप देख के डर गया, भाग गया। और पुलिस की जीप आके मेरे बाजू में खड़ी हो गई, लेकिन वो इंस्पेक्टर ने देखा उसको भागते हुए, तो उसने दो हवलदार को दौड़ाया चोर के पीछे, और वो हवलदार फिर वो चोर को पकड़ भी लाए। माता जी का लाख लाख धन्यवाद कि आपको कुछ नहीं हुआ। हाँ, तुझे मेरी फिक्र है बताने के लिए डायलॉग बोले ना। लेकिन जेठिया, फिर तुझे भी पुलिस स्टेशन जाना पड़ा क्या? नहीं नहीं बाबू, पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। अरे तो घर आते आते इतनी देर क्यों हो गई? हाँ। अरे मैं सुंदर को पैसा देकर निकला तो वही बापूजी वापस रिक्शा ही नहीं मिल रही थी। आधे पौने घंटे के बाद रिक्शा मिली तो मैंने उसको बोला, भाई गोकुल धाम सोसाइटी ले लो गोरेगांव। अभी वो गोरेगांव का गोराई कैसे समझा मुझे समझ में नहीं आता, वो ले गया मुझे बोरी बोली गोराई। ओ समुंदर के सामने रिक्शा खड़ी करके बोला, भाई अब इधर समुंदर आ गया, किधर है आपका गोकुल धाम सोसाइटी? अरे लेकिन तुझे रास्ते में पता नहीं चला कि वो गोराई लेके जा रहा है, तू क्या सो रहा था? हाँ बापूजी। अभी आधी रात को उठ के कोई आएगा तो नींद तो आएगी ना बापूजी। है दया, एक काम कर, ये क्या है इसमें? गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा। चोर, पुलिस, गोराई, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुझे जलेबी फाफड़ा लाने का सूझा? हकड़ी नंबर चो खाउद्रो है। बाबूजी इतने भगा दौड़ी अगर कोई आदमी करता है तो भूख तो लगेगी क्या नहीं? और मैं अभी आ रहा था ना तो वो फरसान की दुकान खुल गई थी और मेरे सामने ही वो ऐसा फाफड़ा ऐसा वो गर्मा गर्म ऐसा वो फाफड़ा ऐसा बना रहा था, तो इच्छा हो गई खाने की, तो मैं बोला चलो घर पे लेके आता हूँ, साथ में मिल के खाते है। काम को चल चल, ये मसाला चाय बना फर्स्ट क्लास है, और प्लेट लेके इसमें निकल के फिर वो। अरे इसको इधर रहने दे भाई, प्लेट लेके मैं निकालता हूँ। आइए बाबू, ये आप भी हाथ मारिए। ये हाथ मारिए वाली दातुन किया दातुन? नहीं बापू जी, सुंदर का फोन आया ना तो ये उठकर चले गए। अबे गर्मा गर्म है बापू जी, तो मजा आएगा खाना का, फिर ठंडे हो जाएंगे तो मजा नहीं आएगा बापू जी। जा जा पहले दातुन करके आ। जा। अरे बहू। हाँ बापू जी। जरा मेरी दवाई देना। अरे बापू जी आपकी दवाई तो खत्म हो गई है और मैं कल लाना भी भूल गई, मैं अभी आपके लिए दुकान से दवाई लेकर आती हूँ। ठीक है। चल चल दया, जल्दी जल्दी चाय ला, एक प्लेट नहीं रखी इधर, जल्दी कर फटाफट। ए भाई, बहू दवाई की दुकान पे गई है। क्यों? मेरी दवाई ले ले। अरे बाप रे, ये कब दया आएगी और कब चाय बनेगी, और यहाँ मुझे जलेबी फाफड़ा खाने की तलब लगी है। एक काम करता हूँ, मेहता साहब के घर जाता हूँ, उधर ही मसाला चाय और फाफड़ा जलेबी। आ
हे भगवान, ये देश तो रहने लायक नहीं रहा। क्यों, क्या हुआ? अरे क्या होना है यार, जिस दिन भी अखबार उठाओ वही खबरें। महंगाई आगे कम होने का नाम नहीं लेती, किसानों को फसलों का मुआवजा नहीं मिलता, लोग 5,000 रुपए के लोन चुकाने के लिए आत्महत्याएं कर रहे हैं। देखा, अब पता चला ना कि मैं न्यूज़पेपर क्यों नहीं पढ़ती हूँ। न्यूज़पेपर में अच्छी खबर आती ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है श्रीमती जी, हमारी आंख बंद करने से इस देश में अखबार बंद नहीं हो जाएंगे और इस देश में अपराध भी बंद नहीं हो जाएंगे। देखो ना, एक एक खबर बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत पॉजिटिव खबर है। नासिक के पास एक महिला ने अपनी बहादुरी से ज्वेलर्स को लुटने से बचा लिया। उसने चोरों को ललकारा, पुलिस को फोन किया और सारे चोरों को पकड़वा दिया। अरे वाह, व्हाट अ ब्रेव लेडी। अरे सिर्फ ब्रेव लेडी नहीं है, खुशकिस्मत भी है। जरा इनका नाम तो पूछिए। क्या? इनका नाम हमारी महामहिम राष्ट्रपति से मिलता है, प्रतिभा पाटिल है इनका नाम। अरे वाह, बड़ा कोइंसिडेंस हां। यस मेहता साहब। ओहो हुजूर आला, आइए आइए। अंजलि भाभी, आपके हाथ की चाय पीना है, चाय पिलाएंगे? अरे जेठा भाई, ये कोई कहने की बात है? अभी बना कर लाती हूँ। तो साथ में जरा ये प्लेट में जलेबी फाफड़ा भी निकाल के देना ना। आप और आपके जलेबी फाफड़ा। भाई क्या बात है, आज बिना संडे के जलेबी फाफड़ा का प्रोग्राम कुछ खास बात है क्या? अरे भाई, रात भर आदमी भागा दौड़ी करेगा तो सुबह भूख तो लगेगी का नहीं? रात भर भागा दौड़ी ऐसे कहाँ गए थे? दही सर चेक ना का। क्यों, चेक नाके पे? सुंदर से मिलने। ओहो, आजकल यानी अपने साले साहब की अगवानी करने शहर की सीमा पे जा रहे हो? जाना पड़ा। जाना पड़ा मतलब? पता नहीं हो किसकी शादी में इधर आया है, दहेज मुझे चुकाना पड़ा। यार जेठालाल, तुम और तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर है, जरा समझा हुआ क्या? अरे हुआ यूं, चलो भाई शुक्र मनाओ कि सब कुछ ठीक हो गया। चाय पियो, टेंशन मत लो। आपका सुंदर जैसा साला नहीं है ना, इसलिए आप ऐसे आराम से बोल सकते हो, टेंशन मत लो। सुंदर जैसा साला होता ना तो आपको पता चलता टेंशन क्या चीज है। चाय और जलेबी फाफड़ा तैयार। लाओ 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 अंजलि भाभी। अंजलि भाभी ये क्या? अरे फाफड़ा जलेबी के साथ ये काली चाय कैसे पी सकता हूँ मैं? आप कितनी जल्दबाजी करते हैं, ये चाय इनके लिए है। पकड़ो, आपके लिए तो ये दूध वाली मसाला चाय तैयार है। पियो पियो, टेंशन मत लो। सही बात है भैया, समझ में आ गया, सबको अपने अपने टेंशन है। तुम्हारी जिंदगी में साले का टेंशन है, मेरी जिंदगी में मसाले का टेंशन है। बिल्कुल सही बात है, हर आदमी की जिंदगी में कोई ना कोई टेंशन जरूर है, लेकिन छोटी छोटी खुशियां मिलते ही हम बड़े बड़े टेंशन भूल जाते हैं। जैसे अभी फाफड़ा और जलेबी मिलते ही जेठालाल तमाम टेंशन भूल गए। भाई बबीता जी से स्विमिंग नहीं सीख पाए, उस बात का टेंशन, फिर ये चोर पुलिस का चक्कर, इस बात का टेंशन, लेकिन छोटी सी खुशी ने सारे टेंशन भुला दिए। आप लोग भी जिंदगी में ये कीजिए, छोटी छोटी खुशियां ढूंढिए और देखिए कि फिर जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। एक जरा सी खुशी जिंदगी भर के गमों को दूर कर सकती है। खुशियां पाइए और खुशियां बांटिए। मैं जानता हूं आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं और बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। हम आपको खुशी जो देते हैं और हम खुशी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन गोकुल धाम के निवासियों का क्या भरोसा, यहां कब कोई नया टेंशन खड़ा हो जाए पता नहीं। अभी तो क्रिसमस आने वाला है, नया साल आने वाला है, 2009 जाते जाते गोकुल धाम वालों को क्या नया टेंशन और आपको कितनी हंसी दे जाए, इसका हिसाब मैं अभी नहीं करना चाहता। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.